हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे तवा चिकन, जो बनाने में बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आइए देखें कैसे बना है। तवा चिकन बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, हाफ नींबू लिया है, नमक मर्जी के हिसाब से, 2 टेबलस्पून दही, हाफ 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टीस्पून मिर्चा, हाफ स्पून हल्दी, हाफ स्पून धनिया और हाफ स्पून गरम मसाला और ज़रा से मखनी कलर, और इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करते हैं। पहले सबसे पहले नींबू मिलाएंगे और फिर नमक, उसके बाद दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये कलर थोड़ा सा, ये सारे सूखे मसाले। अब इसको आधे घंटे लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अब इसको आधे घंटे के बाद पकाएंगे, ढककर रख देंगे। अब चिकन आधा घंटा हो गया है, अच्छे से मैरिनेट हो गया है। मैंने पहले कट लगाना मैं भूल गई थी, तो आप मैरिनेट करने से पहले कट लगा दीजिएगा। अब मैंने तवे में सरसों का ऑयल डाला है थोड़ा सा, और ये मैं नमक डाले दे रही हूँ थोड़ा सा इसमें, ताकि चिकन चिपके ना। और ये थोड़ा सा देसी घी है, और इसको धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। अब इसको एक बार पलट देंगे। अब ये अच्छे से सिक गया है, अब गैस बंद कर देंगे और धुला हुआ एक प्याज का छिलका लेंगे, कोयला गरम करके। इसकी धुनी दे देंगे। अब इसमें अच्छे से धुनी इसकी हो गई है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।